Hi guys, welcome to my channel. This is Meenakshi. Hope you are doing good. Guys, आज मैं Amazon haul करने वाली हूँ. मैंने Amazon से कुछ चीज़ें purchase की हैं. Basically मैंने ज़्यादा ज्वेलरी purchase किया है, एक कुर्ती और टॉप भी purchase किया है. क्योंकि ये एक फेस्टिव सीज़न है गाइज, इसके बाद वेडिंग सीज़न भी आने वाला है. तो बेसिकली ये मैंने नवरात्रि के टाइम पे ऑर्डर किया, तो कुछ चीज़ें नवरात्रि के टाइम पे आई और कुछ चीज़ें नवरात्रि के बाद आई. तो मैंने सारी चीज़ें क्लब करके मैं आपको दिखाऊंगी. और ये चीज़ें आप दिवाली पे भी परचेस कर सकते हैं, और जो वेडिंग सीज़न आ रहा है उस टाइम पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए गाइस, बिना लेट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैंने कुछ ज्वेलरी सेट परचेस किया है और कुछ ईयरिंग्स, एक ही होगा जो मैंने एक लिया है. तो सबसे पहला है शाइनिंग डीवा, उसका मैंने एक पर्ल का ज्वेलरी सेट लिया है गाइस, वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट वन गाइस, ये पर्ल का है और आपको जैसे चोकर सेट रहता है उस तरीके का आपको ये सेट मिलेगा. मुझे पर्ल के सेट बहुत अच्छे लगते हैं और बेसिकली इस तरीके का चोकर आजकल ट्रेंडिंग में है. आप इसे साड़ी के साथ पहन सकते हैं, आप इसे कोई भी एथनिक वेयर के साथ पहन सकते हैं, आप सूट के साथ पहन सकते हैं. और इसमें ऐसा स्टोन है, आपको ऐसे इयररिंग्स भी मिलेगा इसके साथ गाइज. इतने बड़े बड़े इयररिंग्स हैं, अगर किसी को स्टड्स अच्छा लगता है तो दिस इज़ द बेस्ट वन, आप इसे परचेस कर सकते हैं. साड़ी के साथ गाइज बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हैवी लुक आएगा. अगर आपका साड़ी थोड़ा सा सिंपल है तो आप ज्वेलरी कुछ इस तरीके का कैरी कर सकते हैं. बेसिकली अगर आप खाली चोकर पहनते हैं और इयररिंग्स अगर छोटा छोटा भी लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा गाइज. सेट के साथ भी अगर आप इसे कैरी करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन गाइज. नाउ द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम शशि ट्रेंड्स. ये शशि ट्रेंड से मैंने परचेस किया है. ये ब्लैक मेटल ज्वेलरी है गाइज. ब्लैक मेटल ज्वेलरी एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है. वैसे तो ब्लैक मेटल ज्वेलरी जो होता है, आप उस ज्वेलरी को किसी भी आउटफिट में कैरी कर सकते हैं. और अगर आप नॉर्मल डेली वेयर के लिए भी वर्क करते हैं, जैसे प्रोफेशनली आप कहीं वर्क करते हैं, डेली वेयर के लिए भी आप ब्लैक मेटल ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं. सो मैंने बेसिकली एक सेट परचेस किया है गाइस. दिस इज़ द ज्वेलरी, जो बेसिक ज्वेलरी ब्लैक मेटल का होता है. इसके साथ आपको ऐसा झुमका मिलेगा गाइस. ये तो आप देखे ही होंगे, बेसिक है. बेसिकली ये कोई भी एथनिक वेयर के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप इसे कैरी कर सकते हैं. कोई भी इंडियन ड्रेस के साथ, कभी कभी इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है. मुझे इस तरीके का ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है. अगर सिंपल कुर्ती है आप इसके साथ भी कैरी कर सकते हैं, साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं. नाउ आई विल बी शोइंग यू द थर्ड वन. ये ज्वेलरी है फ्रॉम श्रेया डिजाइंस. अमेजोन के काफ़ी ज्वेलरी इतना कॉस्टली नहीं है और उसका काम जो हुआ है वो बहुत अच्छा है, बहुत फाइन वर्क है. ये मैंने ख़रीदने के बाद एक्चुअली इसे रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि बेसिकली मैंने इतना रिव्यू नहीं देखा, थोड़ा बहुत ही रिव्यू देखा है. बट मैंने सोचा कि मैं इस बार ज्वेलरी अमेजोन से ही परचेस करूँगी. मुझे देखना था कि ज्वेलरी कैसा है. दिस इज़ ऑल्सो ब्लैक मेटल ज्वेलरी गाइज. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. इस तरीके का आपको सेट मिल जाएगा जिसमें आपको इस तरीके का कॉइन्स आपको लगा हुआ मिलेगा. लुक्स वेरी ब्यूटिफुल गाइस. इसके साथ इयररिंग्स भी है, ऐसे थ्री लेयर में आपको मिलेगा. और इस तरीके का आप इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहते हैं, जितना आपको चाहिए आप उतना एडजस्ट कर सकते हैं. बहुत ही हैवी और बहुत ही अच्छा लुक लेके आएगा गाइस एथनिक वेयर के लिए. यू गेटिंग इयररिंग्स विद दिस विद द सेट. एक इयररिंग्स मैंने परचेस किया है गाइस. ये एक्चुअली ये बेसिक है, आजकल आप हर कोई देख सकते हो ये इयररिंग्स. रील्स बनाते हुए बहुत लोगों को आपने देखा होगा ये इयररिंग्स पहनते हुए. इस तरीके का अभी ट्रेंडिंग में है गाइस, मोस्ट लोग पहनते ही हैं ऐसा इयररिंग्स. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तो ये इयररिंग्स मुझे परचेस करना था. आई डोंट नो अबाउट द ब्रांड, मुझे ऐसे ही ये नॉर्मल पैकेजिंग में रिसीव हुआ है. सो दिस इज़ द ब्लैक मेटल ज्वेलरी गाइज. ये मैंने सेट में नहीं, सिर्फ इयररिंग्स परचेस किया है. कोई भी एथनिक वेयर में पहन सकते हैं, या आपके पास कोई ट्यूनिक टॉप है उसके साथ भी आप कैरी कर सकते हैं. सिंपल लुक में आराम से आप इसे कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्सो फ्रॉम शशि ट्रेंड्स. शशि ट्रेंड्स से बेसिकली मैंने दो सेट परचेस किया है एंड दिस इज द वन. ये भी मैंने ब्लैक मेटल ज्वेलरी परचेस किया है. ये काफ़ी सिंपल है गाइज,
मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरीके का ज्वेलरी है जिसमें आपको रेड और ग्रीन कलर का स्टोन मिलेगा। आप इसे एज अ सिंपल लुक कैरी कर सकते हैं गाइज, एक सिंपल लुक के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ इयररिंग्स भी है गाइज, बेसिकली झुमका है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइज, आप नॉर्मल भी इसे कैरी कर सकते हैं। आप अगर कुर्ती पहनते हैं रेगुलर वे में, कॉटन कुर्ती पहनते हैं, सो यू कैन कैरी दिस। इस तरीके का आपको पर्ल मिल जाएगा नीचे और इस तरीके का आपको स्टोन्स मिल जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल गाइज, आप इसे एक साथ भी टीम अप करके डेली वेयर के लिए भी कैरी कर सकते हैं, या आपको कोई नॉर्मल ओकेशन में कहीं नॉर्मल पार्टी में जाना है तो भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। किसी को अगर सिंपल लुक ज़्यादा पसंद है आप इसे कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम यू बेला, मैंने ये बेल्ट परचेस किया है गाइज। ये बेल्ट आप मोस्ट जगह पे देखे होंगे, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। इसे हम साड़ी के साथ पहन सकते हैं, कोई भी एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो मुझे लगा ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है अगर आप एक अलग लुक लेके आना चाहते हैं साड़ी में, या आपके कोई टॉप में, या आपके कोई वन पीस में, ये एक अच्छा लुक लेके आएगा गाइस, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। मुझे ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा और मैंने इसीलिए से परचेज कर लिया, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई साड़ी में अगर एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक लेके आना है तो मैं इसे कैरी कर सकती हूँ, या किसी वन पीस हो गया या फिर कोई ट्यूनिक टॉप हो गया, अगर उसके साथ मुझे थोड़ा सा अलग लगना है तो मैं ये इसे कैरी कर सकती हूँ। अगर आपको कोई कपड़ा लूज आ रहा है, वो कपड़ा आपको बहुत अच्छा लगता है बट वो लूज ले लिया आपने, तो आप इसे अगर पहन लेंगे तो थोड़ा फिटिंग लगेगा, फिगर अच्छा लगेगा, तो आप ये कैरी कर सकते हैं उसके साथ। और वैसे भी ब्लैक हर ड्रेस के साथ सूट करता है, आप इसे उसके साथ टीम अप करके पहन सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक कुर्ती परचेस किया है गाइस। मुझे वो कुर्ती बहुत पसंद था, मैंने उसे विशलिस्ट में रखा था, और डेली वेयर के लिए मुझे कॉटन कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ब्रीदेबल होती हैं और कंफर्टेबल लगता है। गाइस जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाया है उसका जितना प्राइस है मैं उसे नीचे मेंशन कर दूंगी, आप प्राइस देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, आप उसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं अमेजोन से। नेक्स्ट इज दिस इज द कुर्ती विच आई ब्रॉट फ्रॉम अमेजोन। ये कुर्ती में इस तरीके का गोटा पट्टी आपको मिलेगा। इस कुर्ती का लुक तभी आ रहा है जब इसमें गोटा पट्टी है। मुझे ये डिज़ाइन बेसिकली बहुत अच्छा लगा और कुर्ती काफ़ी लॉन्ग है गाइज, इसीलिए आप इसे अगर पटियाला के साथ पहनते हैं या प्लाजो के साथ पहनते हैं बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसे कैरी किया था मेरे प्लाजो, रेड प्लाजो के साथ। आप इसे पटियाला के साथ कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये लंबा है तो एक अच्छा लुक लेके आता है। मुझे पर्सनली जो कुर्ती थोड़े लंबे होते हैं उसके साथ पटियाला पहनना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने इसे पटियाला के साथ कैरी नहीं किया है गाइस, मैंने इसे प्लाजो के साथ कैरी किया है। इसका प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है, रीज़नेबल प्राइस में अच्छा कॉटन कुर्ती आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं गाइस। मुझे तो अमेजोन के कुर्ती बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक सबसे पहली बात है वो अफोर्डेबल होते हैं और बहुत अच्छा भी दिखता है, डिफरेंट लगता है, अलग लगता है। तो मैं बेसिकली अमेज़ॉन से काफ़ी कुर्ती और कुर्ती सेट्स आजकल ज़्यादा लेने लगी हूँ क्योंकि वो दिखता भी बहुत अच्छा है और काफ़ी ब्रीदेबल भी रहता है और प्योर कॉटन भी मुझे मिलता है। वैसे आपको थोड़ा बहुत रिव्यू भी पढ़ना पड़ेगा गाइज, क्योंकि मैं भी रिव्यू दे के ही परचेस करती हूँ। मुझे बेसिकली ये कुर्ती बहुत अच्छा लगा गाइज, डेली वेयर के लिए बेहतरीन कुर्ती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट विच आई विल बी शोइंग यू इज दिस ट्यूनिक टॉप, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा गाइज, मैंने देखते ही इसे परचेस कर लिया है। इसका रीजनेबल रेट है, ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है। डेली वेयर के लिए ऐसी कुर्ती या ट्यूनिक टॉप आपको अमेजोन में बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो प्रिंसेस कट का आपको हैंड मिल जाएगा, इस तरीके का आपको टैसल लगा हुआ मिलेगा इस कुर्ती में, और ये कॉटन कुर्ती है गाइस। तो कॉटन कुर्ती आप किसी भी टाइम पे पहन सकते हैं, आप विंटर में भी पहन लीजिए। कॉटन कुर्ती गर्मियों में तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैं बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉटन कपड़े ही प्रिफर करती हूँ क्योंकि वो मुझे मेरे बॉडी में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एयरी रहता है, अगर मैं कुछ और कपड़े खरीदती हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ अगर कोई कपड़ा अच्छा लगा है तो मैं ज़रूर परचेस करती हूँ, बट बेसिकली मैं फोकस करती हूँ कि मैं कॉटन कपड़े पहनूँ। तो दिस इज़ द वन विच इज़ ब्लू इन कलर विच हैज़ टैसल इन इट एंड इट लुक्स गुड। कोई भी
पैंट के साथ कैरी कर सकते हैं, जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं, कोई भी पैंट के साथ, ब्लैक पैंट के साथ कैरी कर सकते हैं, ब्लू जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं, और आप इसे कैजुअल वेयर में आप इसे पहन सकते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप इसे कैरी कर सकते हैं गाइस। आपको डिफरेंट साइजेस इसके मिल जाएंगे और काफ़ी रीजनेबल भी है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से परचेज किया था। काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोस आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अमेजोन से परचेज किया। बेसिकली इस बार मैंने ज्वेलरी काफ़ी परचेज किया क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है और मुझे काफ़ी मेकअप भी करना पड़ेगा गाइस। वेडिंग सीजन आ रहा है, बहुत सारे मेकअप और वीडियोस आने वाले हैं दिनों में। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेज़न से परचेस किया है गाइस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हो, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।